सब्सक्राइब कीजिए मृणाल्स किचन एट चैनल को और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैंने यहाँ कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल का इस्तेमाल मैं इस समय ज़्यादा नहीं करूँगी। जैसे तेल गर्म होता है मैं इसमें 1/4 चम्मच राई के दाने और लगभग उतना ही मैं जीरा भी मिला दूँगी। अब इन्हें हम 1 मिनट तक के लिए थोड़ा सा भुनेंगे। जब तक जीरा और राई के दाने फूटने लगेंगे उसी समय मैंने इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज मिलाया है। प्याज को अभी हम कुछ टाइम के लिए भून लेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस हल्का सा, जब उसका कलर चेंज हो जाएगा उतना ही हमें उसे भून लेना है। अब इसी समय एक मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च यहाँ मिला लूँगी। मिर्ची को भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो 2 मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हरी मिर्ची और प्याज भुने जाएंगे इसी समय मैं इसमें 2 कप पानी मिला लूँगी, क्योंकि सूजी जो होती है जितना हम लेते हैं उससे डबल साइज के हिसाब से फूल जाती है। इसलिए हम अगर 1 कप सूजी लेंगे तो यहाँ हम 2 कप पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। इसी समय मैं 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल करूंगी और 1/2 चम्मच मैंने ग्रेटेड जिंजर भी यहाँ मिला लिया है। आज मैं एकदम बेसिक चीज़ों से बनने वाले सूजी आलू के नगेट्स बना रही हूँ। अगर आप इंग्रेडिएंट ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी मैंने ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है जो कि हमारे घर में अवेलेबल नहीं होती। अब इसी समय मैं यहाँ स्वादानुसार नमक मिला लूंगी। नमक को भी हम पानी के साथ यहाँ अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही पानी को उबाल आता है हम धीरे धीरे करके यहाँ सूजी मिलाना शुरू करेंगे। आप ध्यान से सूजी मिलाइए, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। अगर एक बार लम्स पड़ जाएंगे तो हमारी नगेट्स भी यहाँ अच्छे नहीं बनेंगे। मार्केट में 2 तरीके की सूजी आती है, एक बारीक वाली और एक मोटी वाली। तो आप दोनों में से कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे करते हुए सूजी ने यहाँ पूरा पानी सोख कर लिया है। हम इसे 1 से 2 मिनट तक के लिए और पका लेंगे। इस रेसिपी में यूज होने वाली डिटेल इंग्रेडिएंट की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आप देखिए यहाँ हमारी सूजी अच्छे से पक चुकी है। जैसे हम आटा गूंदने के बाद दिखता है आटा, उसी तरीके से यहाँ सूजी दिख रही है। अब हम इसे कम्प्लीट ठंडा कर लेंगे। जैसे ही सूजी ठंडी हो जाएंगी, यहाँ मैंने एक बड़ा आलू लिया था जिसे मैंने उबाल के अच्छे से मैश कर लिया है, वो सूजी के साथ अब मिला लूंगी। और इसी समय मैं स्वादानुसार नमक भी मिला लूंगी। नमक हम यहाँ ज्यादा नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमने सूजी में ऑलरेडी नमक मिला के रखा है। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ कसूरी मेथी का पाउडर मिला रही हूँ और लगभग उतना ही मैंने यहाँ काली मिर्च का पाउडर भी मिला लिया है। अभी हम इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सबको मेरे रेसिपीज के वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल मृणाल्स किचन एट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिक्स करते वक्त मैं हाथों में थोड़ा सा तेल भी लगा लूंगी, जब हम नगेट्स बनाएंगे तो सूजी हमारी हाथ में ज़्यादा चिपकेगी नहीं। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे हमें डिमांड करते हैं कि उन्हें कुछ अलग खाना है, पर इस पैंडेमिक में ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम बाहर जाके उन्हें कुछ दिला सके। तो ये जो सूजी नगेट्स है हम बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बना रहे हैं, तो आप उन्हें इसे तुरंत बना के दे सकते हैं। मैं अभी इसमें 1/2 चम्मच राइस फ्लोर मिक्स कर रही हूँ, इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस फ्लोर को हमने यहाँ एक्स्ट्रा बाइंडिंग के लिए मिलाया है। अगर आपका आटा थोड़ा सा पतला होगा तो आप 1/2 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी इसमें मिला सकते हैं। सूजी आलू के नगेट्स बनाने के लिए हमारा बैटर यहाँ तैयार हो गया है। अब हम नगेट्स बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मैं हाथों में सबसे पहले थोड़ा सा तेल लगा लूंगी ताकि नगेट्स बनाते हुए सूजी हमारे हाथों में चिपके नहीं। सूजी आलू का जो हमने बैटर बना के रखा था उसी में से एक मैं छोटा सा पोर्शन उठा लूंगी और उसे दोनों हाथों के बीच में दबाते हुए नगेट का शेप दे दूंगी। यहाँ मेरा पहला नगेट तैयार हो गया है। अब इसी तरीके से मैं सारे नगेट्स बना लूंगी। सारे नगेट्स इस वक्त हमारे बनके तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। नगेट्स को तलने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब इस कढ़ाई में हम एक एक करते हुए सारे नगेट्स तलने के लिए तेल में छोड़ देंगे। तलते हुए गैस का फ्लेम आप लो ही रखिए ताकि नगेट्स अच्छे से अंदर तक पक सकेंगे। बीच बीच में पलटते हुए हम इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर का होते तक तल लेंगे। बनाने में बहुत आसान और खाने में भी टेस्टी, बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही कम टाइम में ये नगेट्स बन जाते हैं। देखिए आपके साथ बात करते करते ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम इस समय गैस का फ्लेम बंद करके इन्हें केचप या फिर टोमेटो चटनी के साथ सर्व कर लेंगे।
Oh,